नमस्कार, मैं सुमन आपके साथ और आप देख रहे हैं लाइव कोलकाता न्यूज। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर चुनाव प्रचार के लिए 24 घंटे के बैन लगाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने अब बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर चुनाव प्रचार के लिए 24 घंटे का बैन लगा दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण के लिए चुनाव आयोग बेहद सख्त हो चुका है और दिलीप घोष पर प्रचार के लिए 24 घंटे का बैन लगा दिया है। आयोग ने इससे पहले बीजेपी नेता राहुल सिन्हा पर भी चुनाव प्रचार के लिए 48 घंटे का बैन लगाया था। इससे पहले वोटिंग के दौरान कुछ बिहार हिंसा पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर शरारती लड़के जिन्हें शीतलकुची में गोलियां पड़ी वे कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश करेंगे तो ऐसी घटनाएं तो होती रहेंगी। उनके इस बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। आयोग ने दिलीप घोष पर 24 घंटे का प्रतिबंध 15 अप्रैल की शाम 7 बजे से 16 अप्रैल की शाम 7 बजे तक लगाया। इस दौरान उन्हें चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग ने उनके बयान को बेहद भड़काऊ व कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला करार दिया है। ठीक है, चुनाव कमीशन फ्री फेयर इलेक्शन चाहता है और वेस्ट बंगाल चुनाव थोड़ा हाई वोल्टेज होता है, शुरू किया ममता बनर्जी ने तो फिर स्वाभाविक क्रिया प्रतिक्रिया होता है। चुनाव कमीशन को लगे कि हमारा स्टेटमेंट विधि के अनुसार नहीं है, उनका अधिकार क्षेत्र है, किसी को बैन कर सकते हैं, सतर्क वार्ता है। लेकिन जिस तरह से समय का इस समय देखा जा रहा है कि हर पल एक बहुत ही इस समय का जो चुनाव प्रचार है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, 24 घंटे का बैन आपके लिए? नहीं, हमारे पार्टी में ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति में पार्टी चल रही है या चुनाव प्रचार हो रहा है। ममता जी बैन तो पार्टी बैन हो गया, ऐसा नहीं है, इसलिए उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया इलेक्शन कमीशन से। हमारे पार्टी में बहुत सारे नेता है, लगातार प्रचार कर रहे हैं और आगे भी चलेगा, इसलिए मैं अगर एक दिन मेरी छुट्टी मिल जाए मैं विश्राम कर लूँगा, लगातार चल रहा है महीनों से। और ममता बनर्जी ने धरना दे दिया, हम तो धरना नहीं देते हैं। चुनाव कमीशन ने स्वतंत्र है, उनके अधिकार है, उनको लग रहा है कि इससे चुनाव का वातावरण बिगड़ रहा है तो किसी को भी बैन कर सकते हैं।